हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत शिवारे, आप सभी का स्काईलाइन फाउंडेशन लाइट योर ड्रीम्स टेक फ्लाइट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्विज के जो 10 क्वेश्चन है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं हमारे क्विज की तरफ। आज के क्विज का पहला प्रश्न है, नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। एनिमल का नेम बताना है, नेशनल एनिमल का इंडिया के। इसका सही जवाब है टाइगर। टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है बच्चों। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो हमारे नेशनल बर्ड कौन सा है इंडिया का, इसका सही जवाब है पीकॉक। पीकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है, इसे हम मोर कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला और तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के लिए आप सॉल्ट को तो जानते ही होंगे, सॉल्ट के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या है ये बताना है। इसका सही जवाब है NaCl। NaCl में सोडियम क्लोराइड जो है वो इसे केमिकल मतलब केमिस्ट्री की भाषा में NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए क्या केमिकल फॉर्मूला है, मीन्स जिसे हम मीठी चीज कह सकते हैं ग्लूकोज, शक्कर जिसे हम कह सकते हैं ग्लूकोज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो इसका सही जवाब है C6H12O6। ठीक है, मतलब सी के मतलब कार्बन के 6 एटम, एच हाइड्रोजन के 12 और ओ ऑक्सीजन के 6 एटम। ठीक है, तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला और पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फुटबॉल प्लेयर। मैं आपके साथ एक तस्वीर साझा करूंगा, ये तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये तस्वीर किस फुटबॉल प्लेयर की है। इसका सही जवाब है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री की ये तस्वीर है, बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं इंडिया के। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर। मैं आपके साथ और एक तस्वीर साझा करने वाला हूँ, तो बढ़ते हैं। तो तस्वीर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी कुछ दिन पहले ही इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आपको इनका नाम पता ही होगा मेरे ख्याल से। इनका नाम है सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये इन्हें स्वातंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला प्रश्न है, गिव द नेम ऑफ दिस प्लेस। मैं आपके साथ और एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको, तो ये तस्वीर आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप सभी लोग दे सकते हैं कि ये है द ताजमहल। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो मेरे ख्याल से बहुत सभी लोगों को पता होगा, तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जो है वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आशिक इसका अगला और नौवां प्रश्न है कि ऑन विच डे टीचर्स डे सेलिब्रेट। टीचर डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, सही जवाब मेरे ख्याल से बहुत सभी टीच मतलब जो स्टूडेंट्स हैं टीचर्स से सबको पता ही होगा कि 5th सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट किए थे, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे हम इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला और दसवां और आखिरी प्रश्न है, ऑन विच डे वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका सही जवाब है अक्टूबर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ आज के क्विज के हमारे 10 प्रश्न जो है वो खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई डाउट्स है तो आप हमारे स्काईलाइन फाउंडेशन के इस लिंक पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।